ये कांग्रेस वाला फौज का भी अपमान करते, मतलब किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर उठा उंगली उठाती है, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं, मीडिया पे विश्वास नहीं है, मतलब किस पे विश्वास है। नमस्कार, मैं हूँ खुशी राणा और आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी के बड़े बयान पे आज कांग्रेस को हिला कर रख दिया है और विपक्ष ने भी सीधा निशाना ताना है कांग्रेस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी छीन ली गई थी और जिसके कारण उन्होंने ये मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान भी दिया है साथ ही साथ कि मैं सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ और माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्या उनकी बात है सर? आप जैसे कि बयान के बारे में जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो सही था, क्या गलत था? नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो बोला था वो कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने तो बोला था सिर्फ एक सरनेम को लेके इतने सारे जनता के पास उन्होंने ये आवाज़ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि ये आवाज़ उन्होंने जब उठाया था उन्होंने सोचा तक नहीं था कि अपनी जाल में वो खुद फंस जाएगा, क्योंकि ये आइन तो वो पंडित जी ने लागू किया था। इसीलिए मेरे को लगता है ये गलत किया उन्होंने, किसी एक सरनेम को लेके, किसी एक जाति को लेके ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो आपके हिसाब से उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, और उनकी पार्टी की छवि, उस पर क्या असर पड़ा इस पे? इस बयान से इस पार्टी में तो कुछ असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर उनको बोलना चाहिए था, मुद्दा और भी था, महंगाई का मुद्दा, वो आपका वो बेरोजगारी का मुद्दा, बहुत सारे था, लेकिन उन्हें अपने पैरों में अपनी खुद कुल्हाड़ी मार दी। बताइए कि आप, जैसे कि आपने सुना होगा एक बयान आया है, तो ये बयान आपके हिसाब से कितना सही है? क्या उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी? ऐसा लोगों ने हमें कहा है कि उन्होंने ये बयान बिना सोचे समझे दिया है, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपकी क्या राय है? राहुल जी के सारे बयान, बहुत सारे बयान ऐसे जो बिना सोचे समझे बोल देते हो, कभी प्रधानमंत्री जी पे उंगली उठाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी वो मतलब उनका बयान का कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, राहुल गांधी जी का भरोसा नहीं कब क्या बोलते हैं। लेकिन उन्होंने जो वीर सावरकर जी है, मतलब इनका स्वतंत्र सेनानी, उनका अपमान किया है, बहुत ही गलत है। मतलब कहाँ सावरकर जी है, कहाँ राहुल गांधी जी। उस जमाने मतलब उन्होंने देश के खातिर अपने प्राण दिए, काला पानी की सजा भुगत, राहुल जी को क्या मालूम है इन चीज़ का, देश के बारे में उनको कुछ देश के पता ही नहीं कि मतलब देश में हो क्या रहा है। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी को बिल्कुल ये पता ही नहीं कि देश में क्या चल रहा है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये जो बयान है उनका, ये उनको ऐसे शक के दायरे में खड़ा कर देता है कि उनको अपनी पार्टी को चलाने, जैसे लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहता है कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी चलानी नहीं आती, ऐसी चीज़ें तमाम चीज़ें हमने सुनी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो सिखाने वाले हैं वो ऐसे समझाते हैं उनको उल्टा सीधा, राहुल गांधी अपने हिसाब से नहीं बोलते, वो दूसरे जो सिखाते हैं वही बोलते हैं। कौन सिखाता है? जो उनके समर्थक हैं, जो उनको बड़े नेता है, वो इनको ऐसे बोलते रहते कि ऐसे बयानबाज कर दो, कर दो। लेकिन राहुल गांधी को सोचना चाहिए, जो स्वतंत्र सेना चाहे भगत सिंह हो, कभी भगत सिंह बन जाते हैं, कभी कुछ, मतलब किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वीर सावरकर जी हमारे जो है, बहुत स्वतंत्र सेना ने देश के लिए अपना योगदान दिया है, पूरे दिखा रहे जब मतलब उस जमाने मतलब अंग्रेज से लड़ना, आप जो है उनकी बराबरी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं किया देश के लिए, आप बताइए ना आपने क्या विजन रखा देश के लिए? आपने सुना होगा कि धमाका इतना होते थे, कभी करोड़बाग, कभी लेवल थी, और कभी कहाँ होते थे, सनी देओल की मूवी नीज होती थी उस पर भी धमाका हो जाता था, बताओ। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जैसे कि आप सब लोग भी हमें ये कह रहे हैं कि वैसे तो भारत का एक सेकंड सर एक सवाल है, जैसे कि आप सुनते होंगे लोगों से, लोग कहते हैं कि भारत का कानून तो इतनी धीरे धीरे काम करता है, एक केस को सालों लग जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के केस में 2 दिन में फैसला आ गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी राहुल गांधी इस बात में, राहुल गांधी के वाले कुछ नहीं हुआ, वो तो एक मिनट का दिमाग, उसको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसका दिमाग का इलाज होना चाहिए इस बात के लिए। जो मोदी जी सही काम कर रहे हैं, मेरी दूसरी बात है, सलमान खान सुपरस्टार है, एक बड़ा स्टार है, सलमान खान ने काफ़ी मूवी बनाई, बजरंगी भाईजान बनाई, काफ़ी मूवी अच्छी बनाई उनने, मगर आज तक सलमान खान के घर पे जाके देख लो गणेश जी की पूजा भी होती। सलमान खान इतना दान पुण्य करते हैं, मगर ये बताते कुशु पांडे ने क्या बोला था कि ये पाकिस्तान को पैसा दिया था, पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया था, इन्हें हिंदुस्तान को भी पैसा दिया था। तो आपके हिसाब से यहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है, जो आप धर्म का एग्जांपल दे रहे हैं दर्शकों को? राम मंदिर बना था, राम मंदिर किसके पैसे पे बना, अक्षय कुमार के बना था, आज भी उसका पैसा दिया, सलमान खान ने पैसा दिया था, सलमान खान ने क्या बोला था कि आपको मोदी जी, आपको जरूरत पड़ेगी तो मेरे से ले लेना। सारे केस सॉल्व किसने कराए? मोदी जी ने कराए, मोदी इसको सपोर्ट करता अक्षय सलमान खान को, कि एक दिन मोदी सलमान खान गया था मोदी के पास,
तो सलमान खान ने क्या कहा था कि मुझे मेरा केस सॉल्व करवा दो, तो मोदी ने उसके सर पर हाथ रख दिया था, कोई नहीं तुम्हारा केस सॉल्व हो जाएगा इस बात पर। मोदी अब देखो तारीख पे नहीं जाता। लेकिन सर माफी चाहूंगी, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी तो माइनॉरिटीज की तरफ देखते ही नहीं है, जैसे कि आप अगर धर्म की बात करें तो वो तो कहते देखते नहीं है। नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये मोदी सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल ये, सलमान खान को धमकी भी मिली है और मानने के लिए कोई देखो हम तो मानने देंगे भी नहीं। तो राहुल गांधी और बाकी पार्टी सपोर्ट नहीं करती, मोदी जी सपोर्ट करते हैं? हाँ जी मुझे बात है, बात है सलमान खान को भी सपोर्ट करते, मगर राहुल गांधी का इलाज होना चाहिए, ये बेकार है। इसके राज में तो बहुत धमाकार होते थे, कितने लोग मरे थे और बस में जो कांड हुआ था, जो लड़की के जो रोड घुसेरी थी वो कांग्रेस से तो राज में हुआ था, किसके काम में हुआ था? राहुल गांधी भी उसको जमानत करवा रहे थे कि छोड़ो जो हो गया खड़ा। और हमारे हिंदुस्तानी फौजी जो आज जो तिरंगा झंडा लगा हुआ है हिंदुस्तानी फौजी, क्या बोला था राहुल गांधी ने? अरे ये लोग तो मरते रहते, कोई बात नहीं छोड़ो इस बात के लिए, मगर ये फौजी हमारे हिंदुस्तान के बारे में बोला, क्यों बोला भाई? आपका क्या कहना है सर इस पर? वो कह रहे कि राहुल गांधी तो हिंदुस्तान के फौजों की कदर नहीं करते, तो और किसी की क्या करेंगे? नहीं कांग्रेस पार्टी तो ऐसी है, मतलब इन्होंने तो सड़क का गुंडा था, कहा था इनको जो हमारे CDS थे विपिन चौहान विपिन रावत जो है, ये कांग्रेस वाला फौज का भी अपमान करते, मतलब किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर उठा उंगली उठाती है, न्यायपालिका भी विश्वास नहीं, मीडिया पर विश्वास नहीं है, मतलब किस पर विश्वास है इनको कांग्रेस, मतलब ये सोचना चाहिए इनको। राहुल गांधी खड़ा करते, राहुल गांधी कुछ ऐसे बोल देते हैं तो उसका मतलब कुछ हल ही नहीं निकलता। तो जैसा कि आपने सुना सर कि लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है कांग्रेस को लेकर, कहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी उनको इलाज की जरूरत है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मैडम बात यह है, आपने बोले जो हम सावरकर नहीं है, हम गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगता, आपने इससे पहले भी माफ़ी मांग चुके हैं रिफाइल के मामले में, सुप्रीम कोर्ट में आप माफ़ी मांगे हुए हैं। अब बात रहा सावरकर के पाँव के धूल के बराबर भी राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी ने पसावर के पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है राहुल गांधी है क्या? क्या इसको योगदान क्या देश में योगदान है? क्या योगदान है बताओ ना आप, कोई योगदान है क्या देश के अंदर में? ये कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू विरोधी पार्टी रहे, आप शुरू से इतिहास इसकी नेहरू से लेकर अभी तक जो भी ये कांग्रेस की चल रहा है ये हमेशा हिंदू विरोधी पार्टी रहे, आप समय आ गए, हिंदू ने इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम शुरू कर दिया है। तो हिंदू सपोर्ट जो आप लोग कहते हैं कि हिंदू के जो पार्टी है जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हिंदू को, तो फिर हिंदू का सपोर्ट कौन करता है? अभी देखो जो हमारे राष्ट्र की साथ काम करे हम उसके साथ जाएंगे, अगर हमारे साथ बीजेपी अगर राष्ट्र के लिए काम करे, अगर हिंदू को बैसाखी बन के अगर बीजेपी आया है, अगर हिंदू को चलने के मौका मिले हैं बोलने के मौका मिले हैं, आपने देखे कांग्रेसी सरकार में हमको भगवा आतंकवादी बोला जाता था, हिंदू आतंकवादी बोला जाता था, चिदम्बरम नाम है उसका, वो हमको भगवा आतंकवादी बोले थे, हिंदू आतंकवादी बोले थे, आप दूसरी धर्म को बोल के नाम लेके बताओ आप उसके लिए नहीं बोलते। आपने अभी बागेश्वर धाम में गया था राजस्थान के अंदर उसके ऊपर आप हयार करवा दिया आपने, लेकिन सर एक कांग्रेस बम्बई के अंदर में श्याम मानव उसके फायर करवा दिया उसके ऊपर, गलत है कि नहीं है? आप सिर्फ हमेशा हिंदू के क्यों टारगेट करते हो बार बार, क्यों हिंदू से क्या नफरत है आपको, क्या चीज की दिक्कत है आप बताओ? तो आपके हिसाब से राहुल गांधी को हिंदुओं से काफी नफरत है? बिल्कुल नफरत है, कांग्रेस पूरा कांग्रेस पार्टी को हिंदू से नफरत है, तभी तो हिंदू ने इनको बाहर का रास्ता दिखाने के ठान लिया, अभी बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं इनको। लेकिन राहुल गांधी कुछ दिनों पहले ऐसे मंदिरों में जाके जल अभिषेक कर रहे थे, मैंने ये नहीं बताया ना 2019 में यहाँ पे क्या बोलते राजस्थान के अंदर में आमेर में जो जब चुनाव के प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी बोला था हिंदू धर्म के मानते नहीं हूँ, उस समय अशोक गहलोत भी उनके मंच पे खड़े थे। तो आपके हिसाब एक सेकंड सर, भाई रुपया वाला काम नहीं करना चाहिए ना, आप एक बार बोलो चाहे मानूंगा नहीं, अच्छा मानूंगा तो ये नहीं बोलो हम हिंदू धर्म के नहीं मानते हैं। तो आपके सबसे अपने बयान पलट देते समय के हिसाब से चीजें बदल देते हैं, कब क्या बोलो नहीं बोलो कब मेरे को क्या कह रहा हूँ उसको पता ही नहीं चल, जब वो आदमी लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहा तो पढ़ा हुआ कैसे लिख पाएगा वो।